की कोशिश करो। देखो कितना ये थ्योरेटिकल, बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल है। अनबायस पीएन जंक्शन मतलब पीएन जंक्शन को हम बैटरी से कनेक्ट नहीं किए हैं, होल से डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन बिकॉज। अब देखो अगर आप पीएन जंक्शन बना लेते हो, ये रहा हमारा एक पीएन जंक्शन, और इस पीएन जंक्शन में ये जो है वो डिप्लीशन लेयर बन जाता है, और ये पी टाइप है, एन टाइप है। इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, होल होते हैं, ये हम सबको पता है पहले से, और इधर होल कम होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम सबको पहले से पता है, और इधर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो ये कहता होल्स डिफ्यूज करता है, होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन। अब पी रीजन से एन रीजन की तरफ होल जाते हैं, और एन रीजन से पी रीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। तो उन कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होता है द अट्रैक्शन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन टू ऑफ द एन रीजन। ये अट्रैक्शन अट्रैक्शन वगैरह की वजह से नहीं होता है, ठीक है, आप पढ़े होंगे इस चीज़ को। और अट्रैक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ एन रीजन, इस एन रीजन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो उनके अट्रैक्शन की वजह से नहीं मूव करते हैं, ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन की वजह से मूव करते हैं, ठीक है। चलो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी रीजन टू एन रीजन, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन पी रीजन टू एन रीजन, यही सही है। द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन रीजन एंड दैट इन द पी रीजन। तो होल की मूवमेंट की बात करा ना, तो होल की मूवमेंट की बात करा तो ये क्या गलत है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन, ये जो पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस तब आता है जब मूवमेंट होगा, तब तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। जब मूवमेंट होगा, जब बनाया जाता है, ऐसे तो है नहीं कि एक दूसरे को मतलब भाई एक दूसरे को जब डिफ्यूज किया जाता है, जब बनाया जाता है, तो अट्रैक्शन नहीं हो रहा होता ना, दूर दूर थे यार, कहाँ से अट्रैक्शन होगा, एक उधर है एक इधर है, अलग अलग रीजन के हैं, ठीक है। लेकिन जब उनको क्लोज कर दिया जाता, पास कर दिया जाता है, अभी यहाँ तक है, एक अलग एन टाइप में, एक अलग पी टाइप में है, तो अट्रैक्शन काहे करेंगे, न्यूट्रल है यार, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, चार्ज इस पर भी जीरो, चार्ज इस पर भी जीरो है, तो अट्रैक्शन किस बात का। तो ये एक इधर है एक इधर है, तो जब उनको मिला दिए, ऐसे समझो ऐसे मिलाया नहीं जाता है, ठीक है, मिलाने के अपने ऐसे मिला देंगे, तो कंसंट्रेशन की वजह से मूवमेंट होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, डिप्लीशन लेयर आएगा, सारी कहानी तब स्टार्ट होगी मिलाने के बाद। चलो एन टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में अगर बात करें तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अगर एन टाइप की बात करोगे तो इसका नाम एन टाइप इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, निगेटिव वाले ज़्यादा हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें होल है, ठीक है, इसीलिए इसको हम एन टाइप कहते हैं। तो एन टाइप में ध्यान रखना, एन टाइप की बात कर रहा, होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑब्वियसली है तो, एंड पेंटावैलेंट एटम आर डॉट। होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर और पेंटावैलेंट डॉप होता है, मतलब पहला ऑप्शन ही सही हो गया, ठीक है। होल्स आर माइनॉरिटी होते हैं एन टाइप में, और जो डॉपिंग होती है वो पेंटावैलेंट से होती है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और वो जाके मतलब वो फ्री होता है, और वो इसलिए उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, और एन टाइप का सेमीकंडक्टर होल्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। ऑब्वियसली एन टाइप में होल्स मेजोरिटी नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर, ये तो बात सही है। एंड ट्राई वैलेंट से डॉपिंग नहीं होती है, पेंटा वैलेंट से डॉपिंग होती है। इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये तो बिल्कुल गलत है, मतलब ये ऑप्शन सही है।